दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप चैट जीटीपी का यूज करके कैसे एमसीक्यूज पीपीटी बना सकते हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कम से कम समय में कैसे जो है एमसीक्यूज की पीपीटी बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको चैट जीपीटी की वेबसाइट पे आ जाना है। उसके बाद दोस्तों इसमें लॉगिन करने की जो प्रोसेस है अपना ईमेल आईडी डाल करके साइन अप करके आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको चैट जीपीटी की वेबसाइट पे आना है। उसके बाद दोस्तों आपको इसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक कमांड देना है। यहाँ पे दोस्तों आपको जो है एक क्वेश्चन टाइप करना है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में लिखना है जेनरेट। उसके बाद दोस्तों आपको जितना भी क्वेश्चन जेनरेट करवाना है वो नंबर आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 50 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों फिलहाल हमने 50 टाइप किया है। आपको जितना भी क्वेश्चन इससे जनरेट करवाना हो वो नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपको एंटर कर देना है और आपको बैठ जाना है। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कमांड हमने चैट जीटीपी को दिया था, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों हमने एक कमांड दिया था कि जनरेट 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चैट जीटीपी ने जो है हमें ये सारी चीज़ें लिख करके दे दिया है। अगर दोस्तों बीच में लिखते लिखते ये रुक जाता है तो दोस्तों आपको क्या करना है, कंटिन्यू लिख देना है और एंटर कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप कंटिन्यू लिख करके एंटर करेंगे तो ये बाकी का कंटेंट दोस्तों आपको टाइप करके दे देगा, ठीक है। जब दोस्तों इसका टाइपिंग का काम हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से कंटेंट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर राइट क्लिक करके इस कंटेंट को कॉपी कर लेंगे और उसके बाद इसे मिनिमाइज करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग एमएस वर्ड ओपन करेंगे, यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से दोस्तों हम लोग एमएस वर्ड को ओपन करेंगे और उसके बाद दोस्तों एमएस वर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों ये वाला जो ए वाला ऑप्शन है, ठीक है, कीप टेक्स्ट ओनली, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके इस कंटेंट को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि इसमें कितनी चीजें हैं, ठीक है। इसमें पहला क्या है, क्वेश्चन है, उसके बाद ऑप्शन है, उसके बाद आंसर है और एक्सप्लेनेशन है, यानी कि एक और पहला हो गया क्वेश्चन, दूसरा हो गया इसका ऑप्शन, तीसरा हो गया आंसर और चौथा हो गया इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो दोस्तों इसमें चार चीज़ें हैं, इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे और इसमें दोस्तों हम लोग अप्लाई करेंगे हेडिंग वन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसका जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करेंगे और इसमें दोस्तों हम लोग अप्लाई करेंगे हेडिंग टू, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसका जो आंसर है इसे सेलेक्ट करेंगे और इसमें दोस्तों हम लोग अप्लाई कर देंगे हेडिंग थ्री, ठीक है। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है इसे सेलेक्ट करेंगे और इसमें दोस्तों हम लोग अप्लाई कर देंगे हेडिंग फोर, ठीक है। तो दोस्तों इसमें चार चीज़ें हैं, इसलिए दोस्तों हमने क्या किया, पहले चीज़ को सेलेक्ट करके हेडिंग वन, दूसरे चीज़ को सेलेक्ट करके हेडिंग टू और तीसरे चीज़ को सेलेक्ट करके हेडिंग थ्री और चौथे चीज़ को सेलेक्ट करके हेडिंग फोर, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों बाकी सभी में करना है।
यानी कि दोस्तों हमें पहले क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इस तरह से सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है और इसमें हेडिंग वन अप्लाई कर देना है। उसके बाद दोस्तों सभी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हेडिंग टू अप्लाई कर देंगे। उसके बाद दोस्तों इसके आंसर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हेडिंग थ्री अप्लाई कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों इसका जो एक्सप्लेनेशन है इसे इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हेडिंग फोर अप्लाई कर देंगे। इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन, ऑप्शन, आंसर और इसका एक्सप्लेनेशन, जो भी कंटेंट है यानी कि यहाँ पे जो भी टेक्स्ट कंटेंट है वो सभी दोस्तों नीले कलर में हो गया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, बीच में क्लिक करना है, कंट्रोल ए से ऑल टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों इसका साइज कुछ भी दे देते हैं, यहाँ पे दोस्तों मैं 1/4 दे देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं कोई भी फॉन्ट अप्लाई कर देता हूँ, जैसे पोपिंस। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से फॉन्ट कलर ऑटोमेटिक रख लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हमारा ये जो है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करना है, सेव के ऊपर क्लिक करना है, दिस पीसी के ऊपर डबल क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इस डॉक्यूमेंट्स को कहीं सेव कर लेंगे, ठीक है। तो इसे दोस्तों मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। इस डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब ये बटन क्या है, तो ये बटन क्या है, इसे कैसे ऐड करते हैं, इसके बारे में दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, ठीक है। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं दोबारा से आपको ये चीज़ें बता देता हूँ। आपको फाइल टैब के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्विक एक्सेस टूल बार में आना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्विक एक्सेस टूल बार, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ कमांड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऑल कमांड्स सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों जब आप ऑल कमांड सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे आना है, ठीक है। आपको एस वाली कैटेगरी में आना है। उसके बाद दोस्तों आपको इसमें से एक कमांड सर्च करना है, सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। यहाँ पे आपको एक कमांड मिलेगा, सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करके इस वाले कमांड को यहाँ पे ऐड करवा देंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। इतना करते ही दोस्तों ये बटन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग इनेबल एडिटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। इस तरह से दोस्तों जितना क्वेश्चन हमारा एमएस वर्ड फाइल में था वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों एमएस पावर पॉइंट में आ जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसे बस ऑर्गेनाइज करना है, चीज़ों को सजाना है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, व्यू टैब पे क्लिक करेंगे, स्लाइड मास्टर में जाएंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा डिजाइन कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से बाकी सभी चीज़ों को सेलेक्ट कर लेंगे और इसको दोस्तों थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं कुछ इस तरह से और इसे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद किसी एक स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रिसेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि ये सभी चीज़ें हमारा अरेंज हो गया है, ठीक है। तो इसे दोस्तों मैं थोड़ा सा और अच्छे से कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं सभी टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे दोस्तों मैं फॉन्ट साइज 24 रख लूँगा और यहाँ पे दोस्तों मैं फॉन्ट पोपिंस अप्लाई कर दूंगा। और उसके बाद दोस्तों ऊपर वाले टेक्स्ट बॉक्स में कलर रेड दे देता हूँ और नीचे वाले में दोस्तों कलर कोई दूसरा दे देता हूँ, यहाँ मैं ये वाला कलर दे देता हूँ और इसे दोस्तों मैं थोड़ा सा ऊपर रख लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं दोनों टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से लाइनिंग स्पेस 1.0 अप्लाई कर दूंगा। वैसे भी दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आप लोगों को सिखा चुका हूँ। अगर आप वो वाला मेरा वीडियो देखेंगे जिसमें दोस्तों मैंने बताया है कि आप डिजिटल बोर्ड के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं, तो दोस्तों उसमें ये सारी चीज़ें हमने बता रखा है। तो वो वाला आप वीडियो देख करके आप दोस्तों ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसे मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। इस तरह से दोस्तों जब हमारा सभी स्लाइड डिजाइन हो जाएगा उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसका थीम चेंज करना है। इसके लिए दोस्तों हम लोग डिजाइन टैब के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ से अपना थीम अप्लाई कर देंगे कुछ इस तरह से। अब दोस्तों हम लोग दोबारा से व्यू टैब पे क्लिक करेंगे, स्लाइड मास्टर में जाएंगे
और उसके बाद दोस्तों इसे हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे कुछ इस तरह से। बस इतना ही दोस्तों हमें करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। और उसके बाद व्यू टैब पे क्लिक करके नॉर्मल कर देना है। और उसके बाद दोस्तों किसी एक स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए से ऑल स्लाइड सेलेक्ट करेंगे और रिसेट के ऊपर क्लिक करके दोस्तों इन स्लाइड को रिसेट कर देंगे। तो बस इतना ही दोस्तों आपको करना है, और इतना करते ही दोस्तों आपका ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रेडी हो जाता है। इतना होने के बाद दोस्तों आपको दोबारा से ऑल स्लाइड सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको ट्रांजेक्शन में जाना है और फिर दोस्तों आपको यहाँ से पेन ट्रांजेक्शन अप्लाई कर देना है। आप चाहें तो दोस्तों इसमें कोई साउंड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से अदर साउंड में जाएंगे और उसके बाद दोस्तों आपने जिस फोल्डर में साउंड इफेक्ट डाउनलोड करके रखा है आप उस फोल्डर में जाएंगे और वहाँ से दोस्तों आप कोई भी एक साउंड सेलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे। चलिए तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनके रेडी हो चुका है। आप दोस्तों अगर कुछ यहाँ पे लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं व्यू टैब पे क्लिक करूँगा, स्लाइड मास्टर में जाऊँगा और यहाँ दोस्तों मैं मास्टर स्लाइड में आऊँगा, सबसे ऊपर वाली स्लाइड में आऊँगा। उसके बाद होम टैब पे क्लिक करूँगा, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे दोस्तों मैं लिख दूँगा इस तरह से। दोस्तों हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में लिख देंगे इम्पोर्टेंट वीवीआई जीके क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों इसका फॉन्ट साइज 28 रख लेंगे कुछ इस तरह से। और उसके बाद दोस्तों इसे बोल्ड करना चाहे तो आप इसे बोल्ड कर देंगे, इसकी साइज को थोड़ा सा अच्छे से रख लेंगे, यहाँ से इसे सेंटर कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों हम लोग इसे यहाँ पे ऊपर रख देंगे। बस इतना ही दोस्तों आपको करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। और उसके बाद दोस्तों आपको व्यू टैब पे क्लिक करना है और नॉर्मल पे क्लिक कर देना है। बस इतना करते ही दोस्तों आपका ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनके रेडी हो जाता है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, स्लाइड शो के ऊपर क्लिक करना है और फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करके इसे प्ले करके देख सकते हैं कि ये आपका स्लाइड कैसा बना है। अब दोस्तों इसे पढ़ाना चाहें तो दोस्तों आप बड़े आराम से इसे पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसे आपको एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे जो भी ऑप्शन है इसे आपको एक्सप्लेन करना है, इसका आंसर बताना है। अगर दोस्तों आपको कुछ भी लिखना है तो आप यहाँ कंट्रोल के साथ पी दबाएंगे तो ये आपका माउस पेन बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे जो है लिख लिख करके चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ पे अपने स्टूडेंट को चीज़ों को एक्सप्लेन करके समझा सकते हैं, अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। फिर दोस्तों आपको नेक्स्ट स्लाइड में जाना है तो एंटर की प्रेस करना है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका स्लाइड चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, जो भी चीज़ें आपको पढ़ाना है, यहाँ पे दोस्तों आप लिख लिख करके बड़े आराम से अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। फिर दोस्तों जब ये पढ़ाया हुआ हो जाएगा, एक्सप्लेन किया हुआ हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एंटर की प्रेस करना है। फिर दोस्तों ये आपका स्लाइड चेंज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चीज़ों को आपको पढ़ाना है, एक्सप्लेन करना है और इस तरह से दोस्तों ये सारा चीज़ें कंटिन्यू चलता जाएगा। आप पढ़ाते जाएंगे, चीज़ों को एक्सप्लेन करते जाएंगे और इसे रिकॉर्ड करना चाहें तो दोस्तों आप किसी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर की मदद से इस पीपीटी को रिकॉर्ड करके MP4 वीडियो बना सकते हैं। और ये सारी चीज़ें कैसे करना है इस पर मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल बना दिए हैं, तो दोस्तों आप जा करके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं कि हाउ टू मेक PPT टू MP4 वीडियो, ठीक है, या हाउ टू मेक PPT टू YouTube वीडियो। तो दोस्तों आपको वीडियो मिल जाएगा कि आप पावर पॉइंट को MP4 वीडियो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप बहुत कम मेहनत में, बहुत कम समय में आप अपने एजुकेशनल YouTube चैनल के लिए बहुत ही खूबसूरत और एंगेजिंग PPT बना सकते हैं।